जैसे बाबा को हम पहले श्रृंगार करते हैं 9 बजे, 9:30 बजे बाबा को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद जैसे हम लोग सोते हैं वैसे बाबा के लिए भी हम यहाँ पे सैया बनाते हैं। बाबा की चांदी की आपने देखी कि वहाँ पलंग बिछी हुई है, अंदर बाबा के पूरे बिस्तर बिछे हुए हैं, बाबा को रात को प्यास लगे उसके लिए पानी रखा हुआ है, खड़ाऊ रखी हुई है। ऐसा हम लोग मानते हैं कि बाबा को इसके आरती के साथ हम बाबा को सुलाने की प्रक्रिया करते हैं, फिर बाबा हमारे सोने चले जाते हैं। और आदि काल से ये चला आ रहा है, ये सारी 5 आरतियाँ हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर में शुरू से चली आ रही हैं। सबसे पहली मंगला से शुरू होती है और इसका समाप्ति होती है शयन से। शयन के बाद बाबा हमारे ऐसा मानना है कि विश्राम में चले जाते हैं, उनके बाद मंदिर का प्रांगण बंद हो जाना चाहिए। Yeah।
इसको कहा जाता है कि काशी मस्ती में रहती है और शाम के टाइम बाबा को हम लोग पूरी ताकत के साथ, पूरे ओज के साथ, पूरे जोश के साथ बाबा को सुलाने के लिए हम लोग इसको गाते हैं। और इसकी और खूबसूरती ये है कि ये कहीं किसी लिपिबद्ध नहीं थी पहले कभी। यहाँ जो आया उसने गाया, उसने सीखा लोगों से, और उसके बाद धीरे धीरे वो कहीं इसको, मतलब हम लोगों ने कोई क्लास या किसी ने नहीं किया है, ये बाबा की अपनी कृपा है। जो आता है वो सब कुछ सीख जाता है अपने आप मजीरा बजाना, अपने आप विजय घंट बजाना, अपने आप बाबा की स्तुति करना, बाबा को सुनाने का सारा काम हम लोग करके इसके बाद। और एक और रहस्य बता दूं सर, इसके बाद किसी भी प्रकार की चिंता हो दुनिया की, अगर बाबा की शयन आरती में आदमी सम्मिलित हो जाता है और इसमें आ जाता है, तो उसके बाद घर पे आराम से उसको किसी गोली की ज़रूरत नहीं होती, किसी मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो आराम से जाके सो सकता है और सुबह फिर उसी स्फूर्ति के साथ उठ सकता है। ये हमारी बाबा की आरती का चमत्कार है।